और यहाँ पे जो फिल्म बन रही है उसमें मगैया जवान का भी एक रोल है, आप क्या कहना चाहें? बहुत अच्छी बात है, मगैया जवान जी से मैं मिली तो नहीं हूँ, बस अभी मुलाकात होगी सबसे। 70 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हूँ, और जैसा कि मैं बता दूँ अभी मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ, और यहाँ पे एक सुपर स्टार अभिनेत्री काजल राघवानी का एंट्री होने वाला है, और मैं बता दूँ कि उनका यहाँ पे एक फिल्म का मुहूर्त है, जो कि जो भी फिल्म का मूड था वो मैं उनसे बात खास बात जानने की कोशिश करूंगा, और लगातार मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ का ये एयरपोर्ट है रायपुर का, और मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, सीधी लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, वीडियो में लगातार आप लोग बने रहिएगा। जैसे ही आएंगे मैं उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। उनका टाइम हो चला आने का, 2:14 उनके फ्लाइट है, वो आ चुकी है, और जैसे ही बाहर आती है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मकसद क्या है आने का? इधर से आइए, इधर से। किसके साथ है मैडम? मन कुरैशी जी के साथ है, सो मुहूर्त के लिए हम आए हुए हैं आज। थोड़ा जोर से बोलिए, खाना खा के नहीं आए क्या मैडम? नहीं, भूखी हुआ, अभी खाना नहीं खाया। चलिए चलिए वहाँ पर। मैम मैं जानना चाहूँगा कि आप किस फिल्म के मुहूर्त के लिए यहाँ पे आए हूँ? एक नई फिल्म आ रही है, और मन कुरैशी जी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुपरस्टार है और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं यहाँ के, और उनके साथ फिल्म है, सो बस उसी के मुहूर्त के लिए हम आए हैं। Yes. और ये आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और यहाँ पे जो फिल्म बन रही है उसमें मगैया जवान का भी एक रोल है, आप क्या कहना चाहें? बहुत अच्छी बात है, मगैया जवान जी से मैं मिली तो नहीं हूँ, बस अभी मुलाकात होगी सबसे, और फ़ोन पे ही बात हुई अभी तक, तो सबसे मिलूंगी, अब बातें करूंगी। क्या लगता है कि यहाँ से जो फिल्म आएगा जबरदस्त आएगा? जी जी ज़रूर, यहाँ की फिल्में बहुत अच्छी बनती है, और हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे। आप गुजरात से आती हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी में आपका प्यार दुलार मिल गया है? जी जी, बहुत प्यार मिला है, और बहुत सपोर्ट भी मिला है पब्लिक का और फैंस का, हमारे दोस्तों का। शुरुआत में किसके साथ आपने फिल्म किए थे? अभी सर इंटरव्यू दे रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। मैम मैं चाहूँगा कि आपके साथ अभी तक कितने फिल्म आ चुके हैं भोजपुरी? प्लस है 70 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हूँ, और पब्लिक तो जानते हैं, फैंस भी जानते हैं। मैम कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि आपके पास कि आप गुजरात के रहने वाली हो और बिहार में आकर के बहुत बड़ा एक जलवा कायम किया आपने, क्या कहना चाहेंगे बिहार के लिए? बस लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, जो यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ गुजरात की होने के बाद भी, और यहाँ पे उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और बस दुआ करूँगी कि वो आगे भी मुझे सपोर्ट करे, भगवान से प्रे करती हूँ, और हमेशा मेरे साथ रहे ऐसे ही हमेशा। आगे जो है पवन सिंह के साथ कोई पिक्चर आने वाला है? बहुत सारी फिल्में आ रही है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब मैं इंटरव्यू आपको होटल में दूंगी, चलिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ लाइव है, यानी कैमरे में लगता फोकस करें काजल राघवानी और उनके माँ है, यानी छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट पर मैं दिखा रहा हूँ, कैमरे में लगता फोकस। माँ जी आपका भी धन्यवाद, यहाँ पर आपका भी धन्यवाद रायपुर में। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त हमारे साथ आरती जी। सर एक सेकंड, मैं आपसे कुछ थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप काजल जी की माँ हैं, अभी बहुत बड़ा एक हासिल कर चुके हैं, कायम हासिल कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको उपलब्धि के लिए बारे में? उसके उपलब्धि क्या है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। आपकी गाड़ी आ जाएगी मैम, हमें पता है हमें गाड़ी आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। आ गई है, थोड़ा सा बाकी रखिए, हम शाम को मिलते हैं। शाम को बहुत, मैं शाम को आप लोग के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखिए काजल राघवानी है, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर देखिए आप काजल राघवानी अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं, और ये देखिए ये छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आप ये पहुँच चुके हैं, और मैं इनकी सारी जानकारी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और ये इनकी गाड़ी है, और आप देख सकते हैं हमारे साथ काजल राघवानी जी, अभी एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, जो कि और आप देख सकते हैं यहाँ पे काजल राघवानी जी जा रही हैं।